बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज 7 अगस्त 2021, बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं कौन साहब है। साहब, आप जो ये टूल्स बता रहे हैं, ये एक लेनी पड़ेगी या तीन लेनी पड़ेंगी, या फिर एक को 3 दफा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये भी बता दें। आप जो क्योंकि इसका कोर्स मुकम्मल बता रहे हैं, उसमें वो कितने तक यानी कि हो जाएगा, उसमें कौन कौन से अदवियात शामिल हैं वो भी बता दें। बस एक था ना, उसमें से वो फटकियां आती हैं, दूध एक बहुत था कम है, ना, वो फटकियां निकलती हैं। ये एक थन के जिसमें से आती है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो तीन ले लेना, 3 दिन के लिए, 12 12 घंटे बाद आपने उसको कर लेना है। ठीक है मेरी जान, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह फजल करेगा। ये आपने चूंकि कहा ना देसी इलाज बताएं, तो मैंने बेहतर समझा कि ये सेफ है। आप सेफ, जब देसी जो कहें कहते हैं ना लोग, तो इसका मतलब होता है कि सेफ सा बताएं। वैसे तो इसके लिए आपको पूरा कोर्स कराना पड़ता है। ये मैस्टाइटिस है, मैस्टाइटिस में पूरा एंटीबायोटिक्स का कोर्स को कराना पड़ता है। मेरे आप प्रोग्राम्स देखेंगे ना, उसमें भैंस या गाय मैस्टाइटिस या सोजिश-ए-हिवाना, वो आपको एंटीबायोटिक्स बेशुमार मिलेंगी, जो मैं रिकमेंड करता हूँ और कहता हूं कि जी इसका पूरा कोर्स कराएं, और साथ साथ खीर भी खिलाते रहें। लेकिन आपको मैंने, चूंकि आपने सेफ मांगा और कहा देसी, तो देसी बेस्ट यही है। मेरे जहन में आया कि आपको ज्यादा तकलीफ ना मैं दूं। ठीक है, 3 लें और हर 12 घंटे बाद वो करना पड़ेगा आपको, वो चढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जब दूध उस थन का वो दूसरे थनों में मिक्स नहीं करना, वो अलग से, और उसको जाया कर दे बेशक, अल्लाह फजल करेगा, ठीक हो जाएगा। दुआ भी करूंगा। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं एक, अल्लाहु अकबर, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर है आयत नंबर 36। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, यकीनन कान आंख और दिल के मुतालिक सवाल किया जाएगा, यानी रोज़े क़यामत। दुआओं में याद रखें, फ़ी मान ला।